हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बिजली फिटिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज देख सकते हैं आपके सामने एक वन वे स्विच है, ज़्यादातर हम इसको बोर्ड में यूज करते हैं। तो गाइज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है और किस तरह से ये काम करता है और कैसे खुलता है, पूरे डिटेल में हम बताएंगे। तो सबसे पहले इस दोनों नट को टेस्टर की मदद से इसको खोल देना है। तो इस तरह से निकल जाएगा नट। तो इस तरह से पेचकस को पकड़ना है और यहाँ पर इसके बीच में इस तरह से इसके अंदर दबाना है और फिर इस तरह से प्रेस कर कर निकल जाएगा। तो इस तरह से खुल जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं इसके अंदर एक स्प्रिंग टाइप का है, ठीक है, जो स्प्रिंग है, और यहाँ से एक रबर टाइप का, ये रबर है, ठीक है, ये रबर है, यहाँ से इसके अंदर जाता है और फिर इस तरह से इसको प्रेस करता है। ये प्लेट है जो एल्युमिनियम और सांबा को दोनों मिक्स करके बनाया जाता है इसको। तो गाइस देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए किस एंगल में, देखिए जब एक, देखिए इसके अंदर दो प्लेट है, वो भी ऐसे ही एल्युमिनियम और तांबा को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा एक बीच में है, प्रेस एक नीचे की ओर है और दोनों उठ गया है, ठीक है। तो एक पहले से इसके अंदर यहाँ पर जाता है तो एक सट जाता है और यहाँ से इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। जब इस तरह से हम इसको प्रेस करते हैं स्विच को, इस तरह से जब इसको हम दबाते हैं तो इस साइड तो प्लेट नहीं है तो यहाँ तक नहीं सटेगा, टच नहीं होगा तो जलेगा नहीं बल्ब नहीं जलेगा, और यहाँ पर टच करेंगे तो बल्ब जल जाएगा। देखिए इस तरह से हम दबाएंगे तो खटखट करेगा, देखिए एक साइड खाली मिलेगा और एक साइड प्लेट मिलेगा। अगर तीनों साइड रहता ना तो टू वे स्विच होता है। इस तरह इस साइड भी दबाएंगे तो इस साइड भी जलेगा और उस साइड भी जलाएंगे तो उस साइड भी जलेगा, टू वे स्विच का वो खास बात रहता है। तो चलिए आपको हम वन वे स्विच के बारे में बताते हैं। टू वे स्विच के बारे में अगर कमेंट कर दीजिएगा हम उसका भी वीडियो बना देंगे। तो गाइस देख सकते हैं इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो इस तरह से काम करता है, ठीक है, और दो प्लेट है। तो चलिए हम आपको ड्राइंग शीट में बताते हैं किस तरह से काम करता है। तो गाइस देख सकते हैं ड्राइंग शीट है, ऑलरेडी हम इसके चित्र बना चुके हैं। तो गाइस देख सकते हैं ये स्विच है और ये बल्ब है, तो मीटर और फेस है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। तो गाइस इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। जब हम इसको दोनों को सटाएंगे तो बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसको बताएं कि एक यहाँ पर बीच में एक अति था, क्या बोलते हैं, प्लेट था, ठीक है, और एक साइड खाली है ना, खाली, तो एक साइड खाली है और एक साइड प्लेट है। तो इसके बीच में क्या होता है कि गड्ढा टाइप का है, ठीक है, और दोनों उठा है, ऊपर की तरफ उठा है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो पहले इसमें तो टच होता है, एक तो पहले इसमें टच हो जाता है और एक उठ जाता है। तो इस तरह से जब इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो दोनों सट जाएगा, बल्ब जलने लगेगा, और फिर इस साइड से हम प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इस साइड तो प्लेट है नहीं, इस साइड तो वायर है नहीं, तो टच नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो इसी तरह से ही काम करता है। तो देखिए इस साइड से तो पहले गड्ढा है, यहाँ पर तो पहले ऑलरेडी यहाँ पर टच हो चुका है, यहाँ पर दो प्लेट है, ठीक है, तो यहाँ पर बीच में खाली है। जब तक टच नहीं करेंगे दोनों तो जलेगा नहीं। तो इसी तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा। और टू वे स्विच में तीन पॉइंट रहता है, ऐसे ही टाइप का तीन पॉइंट रहता है। अगर ऐसा ही यहाँ पर रहता है ना तो टू वे स्विच हो जाता है। तो इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा। तो जिस तरह से इसको खोले थे बिल्कुल उसी तरह से इसको लगाना है, इस तरह से इसके अंदर डाल देना है
फिर इस तरह से दोनों को इस तरह से रखना है और यहाँ पर बीच में इसको प्रेस करना है जोर से, तो इस तरह से फिट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो गया। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रिकल से कोई रिलेटेड वीडियो हम YouTube पर पोस्ट करेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना।